परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जिदमे व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्यवेद हमी त्वां सुरसंग्रहि सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिधिशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भित्ता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ पहला अध्याय श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु ऋषिकेशं तदा वाक्य मृदमाहमहीपते अलुवत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेत्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मास्मेन्द्रण समुद्य मे योत्स्यमानानवेक्षेयम् यरेते स्वसमागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियसि कीर्षव सन्निवाच
एवमुक्तो ऋषिकेशो पुराकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्माद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्प्राप्यस्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखी सदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्णु पिशीदन्निदमब्रवीत् अनुवाच देष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयोत्सं समुपस्थितम् ीदान्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मन गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् समतीव च मे मन वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं Hare Shara.
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धदास जी महाराज द्वारा अधिक भाद्रपद शुक्ल षष्ठी 2050 तदनुसार दिनांक 23 अगस्त 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनाश्रम में हुआ। राम जैसे मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसे हमारे सामने सुखदाई अथवा दुखदाई कोई भी परिस्थिति आती है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति की साधना है, वो साधन सामग्री है। सुखदाई हो दुखदाई हो कोई भी, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसका तात्पर्य केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति में है और कोई मतलब नहीं। अब ये परिस्थिति क्या करती है कि परिस्थिति का सदुपयोग करने से राग रहित हो जाता है मनुष्य। संसार में जो आसक्ति है, राग है, प्रियता है, इससे रहित हो जाता है, दुरुपयोग करने से फंस जाता है, बंध जाता है। दुरुपयोग क्या है? ये परिस्थिति का भोग, मानो सुखदायी परिस्थिति में राजी हो जाना और प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज हो जाना, ये भोग है। भोग न करने से योग होता है, भोग करके योग नहीं होगा। सुखी दुखी होगा परिस्थिति में, कोई आदमी अनुकूल बोलता राजी हो गया, कोई हमारे विरुद्ध बोला नाराज हो गए, कोई हमारे नुकसान हो गया, कोई हमारे नफा हो गया, नुकसान में नाराज हो गए, नफा में राजी हो गए, किसने है हमारी निंदा कर दी दुखी हो गए, किसने प्रशंसा की राजी हो गए, ये परिस्थिति का दुरुपयोग है। इसमें आदमी फंसता है, फिर राग द्वेष होता है, फिर फंसता ही चला जाता है। और सदुपयोग क्या है? अनुकूल परिस्थिति आती है वो भी राग आसक्ति नाश करने के लिए, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो भी इसका नाश करने के लिए। राग आसक्ति जो संसार में है इसका नाश करने के लिए आती है परिस्थिति। तो राग के नाश करने में उपयोग करना है, ये है परिस्थिति का सदुपयोग। स्वाभाविक जो आती है, जैसे स्वाभाविक मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, अब उसको भोगों में संग्रह में लगा देना दुरुपयोग है, ऐसे ही परिस्थिति का सुखी और दुखी होना ये दुरुपयोग है फंसाने के लिए। परिस्थिति जो सुख अपने अनुकूल आती है, सुखदायी परिस्थिति आती है, तो सुखदाई में सुख भोग न करके और उसे तटस्थ रहना, और सुखदाई जो सामग्री है उससे दूसरों की सेवा करना, अपने नहीं भोगना औरों की सेवा करना। तो अपने तटस्थ रह करके राग रहे मानो उद्देश्य राग रहित रह करके उनका दूसरों की सेवा में उपयोग करने से उसने राग रहित हो जाता है। दुखदाई परिस्थिति आती है तो उसमें भी अनुकूलता की इच्छा न करना, किंतु राग रहित होने उपयोग है। भगवान ने यह दी है कि अनुकूलता में तुम फंस जाते हो, इस वास्ते प्रतिकूलता भेजते हैं कि तुम उसमें फंसो नहीं। तो प्रतिकूलता अनुकूलता में न फंसने के लिए उपदेश है, ये भी राग रहित होने में हेतु है। तो संसार में जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, ये खास बांधने वाली वस्तु है। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना व्यक्ति
ये अनुकूल में राग हो जाए, प्रतिकूल में द्वेष हो जाए। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष है। अनुकूलता में राग हो जाएगा, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाएगा। और राग द्वेष ये दोनों शत्रु असली जन्म मरण देने वाले ये है। खास बात है कारण गुण संगो से सदस्योनि जन्म सुख योनियों में गुणों का संग है। वो गुणों का संग होने पर, गुणों का संबंध होने पर जो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं ये बांधने वाला तो ये परिपंथ है ना, उनका शत्रु हेतु है। तो ये हम राजी नाराजी होते हैं तब मन राग वाली वस्तु हम जिसमें राग अच्छी मिल जाए राजी हो जाते हैं, द्वेष वाली नाराज हो जाते हैं तो ये हम फंस जाते हैं। राग रहित होना है अपने तो अनुकूलता आई है तो भोग करके राग मिटा दो, प्रतिकूलता आई है तो त्याग करके राग मिटा दो। वस्तु का उपभोग होता है वो भी राग निवृत्ति के लिए, राग पैदा करने के लिए नहीं होता है। और प्रतिकूल का जो संयोग होता है वो भी राग रहित रहने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं होता है। तो शुद्धाई परिस्थिति का त्याग करो, मन दूसरों का हित करो, सेवा करो। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग करो। अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने पर प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं होता, आता है समझ में। प्रतिकूल परिस्थिति आई, मन भूख रहे रोटी नहीं मिली तो घर से आया था बाबा जी भूख खा लेते हैं तो अपने नहीं से अपने रोटी आज नहीं खाएंगे। तन चला गया कदम से नहीं चाहेंगे, बेटा चला गया बेटा नहीं चाहेंगे। तो उसका त्याग कर देना है ये प्रतिकूल परिस्थिति का उपयोग है। दुखी होना है दुरुपयोग है। अनुकूल परिस्थिति अनुकूल चीजें आई है तो सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और आराम के लिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है। सबके लिए जाए तो भी अंत हो जाई, सुख भोग दुख भोग के लिए नहीं है। ये भोग योनि है ही नहीं, ये तो साधन योनि है, ये तो प्रेम योनि है। भोग भोगना सुख भोगना तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना तो नरक में जाओ। सुख दुख दोनों ऊंचा होना तो मनुष्य शरीर में आओ, मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, ये तो अपना उद्धार करने के लिए है। तो ऐसे सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से ऊंचे उठ जा, ऊपर उठ गए फिर आती जाती रहे। जैसे बड़े पहाड़ पर ऊंचे उठ जाते हैं, नीचे से आग लगे चाहे वर्षा हो चाहे बाढ़ आ जाए चाहे आग लग जाए, समझ गए मतलब अपने तटस्थ है। इस तरह से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से ऊंचा उठ जाना, बस अब भोग भोग भोगना है, सुख दुख होना फंसना है, भोग भोग न भोगना है, ये ऊंचा उठना है, तटस्थ हो गए। क्योंकि ये साधन के लिए ही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है। तो साधन तो वो होता है जो हरदम नहीं रहता, साधन कर लिया बस ठीक है। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना है ऊपर तो चढ़ने के लिए सीढ़ियों काम की है, चढ़ गए फिर क्या जरूरत है उनकी, तो चढ़ना क्या आगे ऊपर चढ़ना बस एक सीढ़ी चढ़े दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी चढ़े फिर चढ़ गए। इस तरह से परिस्थितियां परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ये सीढ़ियां है। इस बात से सुख दुखी नहीं होना है। सुखी तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के सिवा संसार कुछ है ही नहीं। संसार का स्वरूप देखा जाए तो अनुकूलता जो प्रतिकूलता बस यही है, तटस्था हो जाए। अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधम करुणा फलम, तीन तो बताया है, अनिष्ट फल इष्ट फल और मिश्रित, कुछ इष्ट है कुछ अनिष्ट है, कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है, ऐसी मिली हुई अथवा अनुकूल अथवा प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल ये संसार का स्वरूप यही है। संसार ना चलने वाला, जगत ना जाने वाला, संसार ना उसका है जो रहता नहीं टिकता नहीं, हरदम जा रहा है। तो हरदम जा रहा है वो अपने थोड़ा ही है, अपने तो ईश्वर जीव अविनाशी, ये तो अविनाशी नहीं अविनाशी, ये रहने वाला ये जाने वाला वो निरंतर रहता है, निरंतर जाता है,
वो कभी जाता ही नहीं तो ये कभी रहता ही नहीं, तो इनका संबंध कैसा भाई? तो संसार का अपना संबंध नहीं है, संसार का शरीर है तो शरीर का हमारा संबंध नहीं, ये तो जाना ही जाना है, बचपन से लेकर पैदा होते उसे जाना ही जाना है, मरना ही मरना है, निरंतर जीना है ही नहीं, मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, वृक्ष और मनुष्य और पशु और पक्षी और लता और धूप और जलचर और थलचर हो नक्षर हो जो कुछ सब नाश होने वाला है, तो ये तो सब नष्ट होने वाला है, तो अपना संबंध इसके साथ नहीं है, संबंध तोड़ने के लिए दोनों आते हैं, अनुकूल और परिस्थिति संबंध तोड़ने के लिए, तो वो संबंध टूट जाए बस ठीक, फिर मुक्त स्वतः है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः है, प्रतिकूल मिट जाएगी, अनुकूल मिट जाएगी, आप रह जाओगे, आप रह जाओगे मुक्त हो गए, इनके साथ बंध गए बंधन हो गया, तो बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः है, इस वास्ते मुक्ति नित्य है, बंधन अंत्य है, बंधन नया नया होता है, नया नया मिटता है, मुक्ति एक है स्वतः सिद्धि स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना है। अपने जीवन में एक बड़ी उल्टी धारणा हो गई, जैसे निरंतर मर रहे हैं उसमें जी रहे हैं ये धारणा हो गई, और जो निरंतर मिट रही परिस्थिति आती है तो सुखी दुखी हो जाता है, पड़ती है भैया आपका अनुभव है कई बार ना अनुकूल टटेगी ना प्रतिकूल टटेगी, क्या सुखी दुखी क्या होते हो, ये तो चिकन वाले है ही नहीं, ये राजीव नाराजी में क्या है, सामने चित्र कैसा ही दिख जाता है, फोटो कैसा ही दिख जाए, उतरेगा नहीं, कहीं तो राजी हो गए क्या न प्रेरित से प्रेम प्राप्ति नाप्ति से अप्रिय प्रियो को प्राप्त हर्षित न हो गए, अप्रिय पर उद्भीर न हो, बात सावधान रहे कहते हम तो हो जाते हैं, हो जाते कोई परवाह नहीं, हो जाए परंतु थोड़ी देर चेत हो जाते जल्दी, क्योंकि क्यों होते हो ये ब्रेन वाले है ही नहीं, ये तो खेल है क्या राजी क्या नाराज हो, ऐसे सावधानी रहने से ये राज्य मिट जाएगा, तो ऐसे ऊंचे उठ जाएंगे ना प्रेरित सब दुख सुख स्वस्थ सब दुख समान हो स्वस्थ समता आ गई, सम तुम योग उच्च थे समता का योग है, निर्दोष हम सम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है, सम हो गया आप ये तेरे स्वर्ग हो ये सांग साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने जीव अवस्था में संसार को जीत किया, ये राग द्वेष होते इनमें हम हार जाते हैं, सुखी दुखी होते तो संसार जीत गए हम हार गए, और इनमें सुख दुखी नहीं हुए तो हमारी जीत हो गई, ये तेरे जितना स्वर्ग हो ये सांग साम्य स्थित माना, मन समता में समता में रहा निर्दोष है सम्रम निर्दोष और सम्रम है, तस्मा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति है उनकी स्वतः ही ब्रह्म स्थिति स्वतः है सबकी, राग द्वेष होने से ही संसार में स्थिति है, राग द्वेष नहीं हो तो संसार में स्थिति कैसे रही, अब स्वरूप में स्थिति हुई स्वतः ही सिद्ध है, तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता भोग के लिए नहीं है, सुखी दुखी होने के लिए नहीं है, ऊंचा उठने के लिए है, जैसे परीक्षा होती है विद्यार्थी की तो परिचय आता है उनमें आप ठीक लिख रहे, इस तरह से हमारी परीक्षा होती है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता है हमारी परीक्षा है, ये पाठशाला है मनुष्य में, ये हरदम परीक्षा होती है हरदम ही, तो हरदम सावधान रहो, दुखेशु अनुद्विग न मना सुखेशु विघत स्मृत, दुख आए तो उसमें अनुद्विग उद्विग न हो, सुखेशु सुगम में स्प्रिया न हो परवाही न हो, तो विहाय कामान ये सर्वान पुमान सरती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार है स शांति की स्थिति, और शांति क्या है ये सब ब्राह्मी स्थिति, ये शांति ब्राह्मी स्थिति है ब्रह्म स्थिति है, ये सब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त ये नाम प्राप्त होगी थी स्थित से अमंत काली भी बिंदुमान में स्थिति, तो ये ब्राह्मी स्थिति है राग द्वेष हो गया, तो अनुकूलता प्रतिकूलता केवल हमारे को ऊंचा उठाने के लिए आती है, पशु पक्षी देवता ऋषि और ये देवता और नार की ये जीव है भोगने वाले सुख दुख भोगने वाले उनके लिए अनुकूलता भोग है,
सुखी दुख सब होते हैं, पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, वृक्ष भी वर्षा हो जाते, राजी हो जाते हैं, कतपत बदिया बर्तन जल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये तो सब में ही होते है, नरकों में भी स्वर्ग में भी। स्वर्ग नरक ही होगा, इंद्रियों से होने वाला सुख नरकों में ही होता है और स्वर्ग में ही होता है। कैसे होता है कि प्राणी तब देखा दुख, जैसे बिना चाहे दुख आता है, जैसे बिना चाहे सुख आता है। ये तो आदमी के मतलब रात्रि बाद जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, जैसे सुख बाद दुख, दुख बाद सुख, सुख बाद दुख आता ही रहता है। और हम रहते हैं तो हम रहने वाले आने जाने वाले से क्यों सुख दुखी हो गए? रस्ते पर कई आदमी राजी हो गए, नहीं आए नाराज हो गए, कैसा मतलब है? तुम्हारे क्या मतलब है? ये तो आने जाने वाले आगमा है, तो आगमा पाई ना अनित्य गुस्सा लो राजी नारी में गुस्सा लिया शुरू आग यंग बताने सो अमर तत्व कल्प दे एक व्यथा नहीं होती है, वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति का पात्र हो जाता है। कितनी बड़ी बढ़िया बात है। ये राग द्वेष दो ही है, संसार संसार यही है। अच्छा मंदा ठीक और बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, बढ़िया घटिया, ये तो है नफा और नुकसान, जन्म और मरण, ये द्वंद तो है संसार, द्वंद ही संसार है। द्वंद से ऊंचे उड़ गए, मौत हो गई, मुक्त हो गए, द्वंद में राजनारे के फंस गए। केवल इतनी निगर रखनी है अपने, सावधान रहना। सुख हर्ष जड़ दुख बिल खाई, सुख हर्ष जड़ दुख बिल खाई, सुख हर्ष हो जाए दुख बिल जड़ बताया। दो सुम धीरे मन मई पंडित हो जाए दोनों धीरे आया, सुख आ गया दुख आ गया। देखो निरपक हो तमाशा, पक्षपात मत करो किसी के साथ, फंसो मत, तुम्हारा है आता है जाता है। अब खेल में कोई ठीक बोलेगा, कोई बेठीक बोलेगा, कहीं प्रेम होगा, कहीं लड़ाई होगी, तो क्या होगा? खेल है। जो फुटबॉल खेलते हैं जीत होगी हार होगी, अब क्या जीत क्या हार है, बिन हो गया खेल है, तमाशा हो गया। ऐसे संसार है, या अनुकूल प्रतिकूल, खेल है तमाशा है। क्या राजी हुए क्या नाराज हुए, इसमें सुखी दुख क्या हुए इनमें? तो ये खास मनुष्य रहेगा, ध्येय सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ऊंचे उठ गए, ये ऊंचे उठे भगवान में राग प्रेम हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। शरीर में सुख दुखी होते रहे तो यही रहेंगे, ऊंचे नहीं उठेंगे। ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है। शुक्र दुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, देवता भी भोगते हैं, नरक के जीव भी भोगते हैं, ऊंचे नीचे भी भोगते हैं। तो भोगियों नहीं है, वो भोगते हैं। और भोगियों ने भी सुख दुखी हो तो सुख दुखी होते ही रहोगे, होते ही रहोगे, पार ही नहीं आएगा। अनंत ब्रह्मा होकर खत्म हो जाएंगे तो जन्म मरण नहीं बचेगा। तुम तो भोग करते हो, सुख दुख होते रहो, होते रहे, तो बंधन है। दोनों बंधन है, संसार का सुख भी बंधन है, दुख भी बंधन है। दोनों सुख तो अपना मुक्ति है, मुक्ति ना मिले सुख दुख से, राग द्वेष से, हर शोक से, ऊंचा उठ जाने का मुक्ति और ये फंस जाने का ना बंधन। संसार के संभव बंद गए, अब जिन कुटुंब में बंद गए, राजी हो गए, उन्हें कोई मर जाए तो ना रोना ही पड़ेगा। खुशी होगा तो दुखी होना पड़ेगा, संसार से सुख भोगा तो दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख यो नते, जो संबंध जन्य सुख है वे सब के सब दुखों के कारण है। और आदि अंत वाले हैं, सुख आ रहे हैं, जाने वाले आ रहे हैं, जाने वाले हैं, दुखों कारण है। चश्मा इस बार भूख जाएगी, उसकी इच्छा न करे, ना दुख मिटने की इच्छा करे, ना सुख मिलने की इच्छा करे। इच्छा क्या करे, आप ये तो दिन की इच्छा करें तो कोई दिन घटे बढ़ेगा नहीं, रात की इच्छा करें तो रात घटे बढ़े नहीं, रात की इच्छा नहीं करे तो रात घटेगी बढ़े नहीं, दिन की इच्छा नहीं करे तो दिन घटेगा बढ़े नहीं। इनकी इच्छा अनिच्छा दोनों को ही होता रहता है। क्या तू इच्छा करे, क्या राजी हो, क्या नाराज हो, इसमें अपने भगवान को याद करे, भगवान में बन रहे, भगवान में चित रहे, उसका चिंतन करे। भक्ति की दृष्टि से सुख आधा है तो भगवान ने भेजा है ये भी।
जैसे बालक के कान पे जाने के लिए गुड़ देते हैं, तो ये सुख देते हैं कान पे जाने के लिए। तो कान पे जाएगी मतलब है गुस्से, मतलब है तो दोनों से ना तो गुस्सा करने से मतलब है ना कान में से मतलब है। मत माइत जैसे माइत करे जैसे उसमें रह जाइए, तुम करें गुड़ दे दो तुम मौज, कान में दो तुम मौज, माइत तो जैसी मर्जी करो भगवान चाहे शुरू करे, अमर क्या मतलब है। ऐसे मस्त रहो, पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, हरी में खुश है, मर्द है पूरी मर्दान इसी में है, असलीपन ये है। तो संसार को जीत जाओगे, संसार आप पर विजय नहीं होगा। निर्धनता आपको दुखी नहीं दे सकती, धनवत्ता आपको सुखी नहीं कर सकती। निर्धनता दुख देती है, आपको दुख भी हो जाते हो और धनवत्ता सुखी हो जाते हो, तो फंस गए बंद गए दोनों, बंद बरी है। चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की हो, सांकल सोने का बदल बन जाएगा, लोहे को बन जाएगा, बंधन में फर्क नहीं है, दिखने में फर्क है, सोने की है कि लोहे की है। इस बार से इससे ऊंचा उठना है ये अपना से फर्क है। नारायण 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 जी, और बंधन हो ही जाए। एक साधु थे, उसे कहा महाराज आप तो अच्छा हो परंतु ये कमी है, बदमाश कौन से ये। मुसाफिर करते हो ये सुखी तो बड़े ये यही यही बन रही। नारायण नारायण।